दोस्तों महिंद्रा मोटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप BS6 जो बैटरी के लिए प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो दोस्तों ये है महिंद्रा बोलेरो पिकअप BS6। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये चीज़ दिखाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों BS6 पिकअप के अंदर सबसे ये जो बैटरी है, बैटरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ से ख़राब हो जाती है। इस जगह से कार्बन आग के इस जगह से बैटरी में खड्डा हो जाता है, फिर ये टर्मिनल ख़राब हो जाता है, तो चलते चलते गाड़ी झटका मारने की प्रॉब्लम, दूसरी बैटरी शॉर्ट होने की प्रॉब्लम। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि गाड़ी के अंदर अगर बाई चांस कार्बन आ रहा है तो इसको या तो कार्बन को शार्प करो या इसकी बैटरी चेक करो। तो ये है महिंद्रा बोलेरो CVC है, BS6 पिकअप है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक ना करा हो, वीडियो को लाइक ना करा हो तो लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम महिंद्रा मोटर गैरेज से इसमें आपको सभी को इस गाड़ी के बारे में और आपको नॉलेज देंगे और आपको वीडियो भेजते रहेंगे। तो अब हम इस जो बैटरी के जो टर्मिनल लगे हुए हैं, इन टर्मिनलों को खोल के कैसे साफ किया जाता है, कैसे इस कार्बन को हटाया जाता है, इसमें क्या घटना हो रखी है वो बताएंगे। तो ये बैटरी है, टर्मिनल है जो खोला जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है तो इसमें टूटने चांस है। तब माइनस वाला खोल रहे हैं, तो नेगेटिव है, इसको खोल रहे हैं तो इसको ये खुल रहा है। फिर इसको कैसे हम साफ करेंगे, साफ करने का बिल्कुल आसान एक तरीका है छोटा सा। तो इसमें क्या है कि साफ करने का फटाफट साफ हो सकता है, फिर ये आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बैटरी का टर्मिनल खोल दिया, ये देखिए ये टर्मिनल खोल दिया। अब हम लेंगे एक बोतल के अंदर पानी, बोतल हो या कप हो कोई भी चीज़ हो, बोतल को काट के इसके अंदर पानी लेंगे। फिर ये कार्बन जम रहा है, ये देखिए बैटरी पर, पूरी बैटरी पर कार्बन आ रहा है। तो इससे क्या है कि बैटरी करंट पीने का डर, ये बैटरी बोतल के अंदर पानी लिया। अब इस टर्मिनल को पानी के अंदर डाल के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इसको करीबन 30 से 40 सेकंड के अंदर ये टर्मिनल साफ हो जाता है। ये देखिए ये बिल्कुल साफ हो गया। यदि इसको हिलाते रहे तो हिलाने से क्या है कि इसका कार्बन है वो खिर जाता है पानी के अंदर। ये देखिए बिल्कुल साफ हो रहा है। तो अभी तक आपने, मेरे को लग रहा है, चैनल वीडियो को लाइक ना करा, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये टर्मिनल है बिल्कुल साफ हो चुका है, ये देखिए ये एक्यूरेट साफ हो चुका है। अब इसके ऊपर अपन वापिस एक बार फिर से धोएंगे, ये साफ हो चुका है। अब इसको बाहर काट देते हैं, हो गया क्लियर। अब इसके वो जो वेट प्लस वाला है उसको खोलेंगे, खोल दे। ये देखिए इसकी क्या हालत हो रखी है, बुरी तरीके से आपको भी दिख रही है, नीचे जो टर्मिनल है यहाँ से बैटरी ख़राब हो चुकी है। ये दिख रहा है, नीचे खड्डा पड़ा हुआ है, ये इसी जगह से जहाँ पानी डाल रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ से ये बैटरी बिल्कुल खड्डा पड़ चुका है, बैटरी जल चुकी है यहाँ से, इसी जगह ये अंगूठा चल रहा है मेरा, इस जगह यहाँ खड्डा हो चुका है। तो इसको बैटरी की जो टर्मिनल है, खूटी है, जो खूटियों को बिल्कुल साफ करेंगे, रेजमाल माल के बिल्कुल ये पत्ती भी है इसको भी खोलेंगे। ये जो वाइट आ रहा है ये बैटरी का जो कार्बन बना हुआ है, ये कार्बन है। ये रेजमाल है, रेजमाल से क्या है कि जो खुटी है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसको बुरी तरीके से बिल्कुल इसको साफ कर देंगे, रगड़ रगड़ के। साफ होने के बाद इसका टर्मिनल है वो भी हम चेंज करेंगे।
तो टर्मिनल एक खराब हो चुका है। ये दिख रहा है आपको खड्डा पड़ा हुआ, तो इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे MC लोही, तो वो इसके अंदर भर के इसको बिल्कुल वापस सही कर देंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक। ये बैटरी है महिंद्रा BS6 बोलेरो पिकअप CVC है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा बीमारी आ रही है। प्लस का जो टर्मिनल है वो कार्बन पकड़ के बैटरी शॉर्ट हो जाती है। ये देखिए बैटरी में खड्डा पड़ जाता है, टर्मिनल यहाँ से जल जाता है, बिल्कुल खड्डा पड़ जाता है। ये बिल्कुल बुरी तरह से इस बैटरी की हालत ख़राब हो रखी है। इसके अंदर नहीं तो ड्राइवर जान देते हैं, नहीं कैलाशी जान देता है, नहीं गाड़ी मालिक जान देता है। ये कभी गाड़ी के अंदर हानिकारक हो सकता है, सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों हमेशा महिंद्रा BS6 पिकअप के अंदर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है बैटरी की, तो इस चीज़ को हमेशा टर्मिनल साफ़ करना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए।